इस वीडियो में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, स्पेशली एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव। अब याद है वो गैलीलियो वाली इमेजेस जिसमें वो देख रहे होते थे दूर, तो ये आई के पास वाला लेंस हो गया आईपीस, दूर वाला हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता था कि नहीं, बाइनोकुलर भी अगर खरीदे होंगे तो देखा होगा कि बाहर वाला जो लेंस है वो बड़ा होता है। सो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बड़ा, क्यों? क्योंकि बहुत दूर से आने वाली रेज होती है बहुत कम, बहुत दूर से आ रही है, इसीलिए तो वो रिफ्रैक्शन में क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और बहुत सारी ऐसी बातें रिफ्रैक्शन वाली। यहां पर भी हम वही बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि भैया ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आईपीस उससे थोड़ा छोटा होता है। नाउ अब ये रेज इंफिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, जरूरी नहीं है पैरेलल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ही हों। हाँ, बट एक बात कंफर्म है, पैरेलल रेज जो इमेज बनाती हैं वो फोकस पर या फोकल प्लेन में बनाती हैं। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ फोकल प्लेन, ये रे बैंड होगी, ये फोकस से नहीं जाएगी क्योंकि ये तो पैरेलल थोड़ी ना है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पहले ही बैंड हो जाएगी। हाँ, मगर ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट पर एक इमेज बनेगी, और ये मिलेंगी किस पॉइंट पर, तो इमेज बनेगी वो किस पॉइंट पर बनेगी, वो बनेगी फोकल प्लेन में। तो ये बन गया एफओ। रेज कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। इमेज बन गई यहां पर। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आईपीस है। अब आईपीस की अगर अपन बात करें तो एक रे तो पैरेलल ले लो और इसको फोकस से पास करा देंगे, एक रे मेरी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों रेज जब पीछे जाएंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं मेरी इमेज बन रही है। बहुत आसान हो गया डेरिवेशन। हम इस इमेज को अभी कहाँ मान रहे हैं? पहले वाले केस में मान रहे हैं जब इमेज बन रही है मेरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो भैया ये आपके पास हो गया है कंप्लीट डायग्राम। मैंने जानबूझ के पेन का कलर बदल दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जो रेड सेक्शन है वो आईपीस का सेक्शन है, जो ब्लैक सेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है, और ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ऑब्जेक्टिव ने एक रियल इमेज बनाई, आईपीस ने एक वर्चुअल इमेज बनाई है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में पढ़ा है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप का वीडियो जरूर देखिए, उसमें हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन पे बहुत बात करी है। बट फिर भी एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप एक रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप होता है एंगल मेड बाय द इमेज फॉर्म्ड एट LDDV टू एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट इंफिनिटी ऑन आई। फिर से, पहले क्या करते थे हम, ये बोलते थे कि इमेज भी हमारी LDDV पर हो, ऑब्जेक्ट भी हमारी LDDV पर हो। बट अब हम क्या कह रहे हैं, इमेज तो LDDV पर है बट ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। अरे भैया, अगर मैं उसको पास ला ही सकता होता, अगर मेरी आंखों के इतने पास में सूरज चांद तारे आ जाते तो क्या मुझे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसीलिए इमेज हमारी LDDV पर है बट ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पर है। अब क्योंकि एंगल छोटे हैं इसीलिए हमने क्या लिख दिया, बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा। अब तो कुछ नहीं भैया, सिर्फ ट्राइंगल ढूंढो, अल्फा और बीटा निकालो, इसमें वैल्यूज रख दो, आंसर आ गया। तो इस ट्राइंगल में ए डैश ओ ई बी डैश ट्राइंगल में मैं टेन बीटा निकालूंगा, या फिर मैं ए ओ ई बी में भी अगर 10 थीटा निकालूंगा या 10 बीटा निकालूंगा तो मेरा सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, 10 बीटा इस छोटे वाले ट्राइंगल से निकाला। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आपने इस ट्राइंगल से क्यों निकाला, आपने बड़े ट्राइंगल से क्यों नहीं निकाला? तो भैया वही वाली बात आ गई, डेरिवेशन को आसान बनाना है। मेरे दिमाग में यह आया कि अगर मैं 10 बीटा इस ट्राइंगल से निकालता हूं और 10 अल्फा भी इसी ट्राइंगल से निकालता हूं, यानी कि ये जिसके अपोजिट बना अल्फा, तो ए बी मेरा कॉमन आ जाएगा और जब
जब मैं रेशियो लूंगा तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने टेन बीटा निकाला, फिर टेन अल्फा निकाला और अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू में रख के। तो टेन बीटा क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ओ ई बी। ओ ई बी क्या है मेरे पास, माइनस यू ई। सो टेन बीटा आ गया ए बी बाई माइनस यू ई। और टेन अल्फा के लिए क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट था, ए ओ बी इस ट्राइंगल को मैंने देखा, इस ट्राइंगल से मैंने टेन अल्फा निकाला, वो क्या आया ए बी अपॉन ओ बी, ए बी बाई ओ बी। और क्योंकि ये फोकस है तो ये फोकल लेंथ हो गई, तो OB को मैंने लिख दिया FO, और ये लेंस के इस तरफ है इसीलिए ये प्लस है, और UE लेंस के इस तरफ है इसीलिए नेगेटिव है, सो माइनस UE हो गया। अब जल्दी से इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, इतने एक्सप्रेशंस को नोट कर लीजिए। इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज को रखने वाले हैं, जिसमें हम M को लिख देंगे 10 बीटा बाय 10 अल्फा, बीटा और अल्फा की वैल्यूज रखने वाले हैं और इसको सॉल्व कर देंगे। जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। जैसे ही मैंने 10 बीटा की वैल्यू रखी और 10 अल्फा की वैल्यू रखी, ए बी बाय माइनस यू ई, ए बी बाय एफ ओ, ए बी कैंसिल हुआ और ये आ गया एफ ओ बाय यू ई। ये मेरा एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया है। अब अगर मुझे एल डी डी वी के लिए इन टर्म्स ऑफ एफ ई निकालना है तो बहुत आसान है, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। ये फॉर्मूला आ चुका है मेरा, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं एफ ई के टर्म्स में, देखते हैं क्या आता है। जैसे ही मैंने ये लेंस फॉर्मूला लगाया 1/fe = 1/ve - 1/ue, क्योंकि मैं एफ ओ को तो छेड़ ही नहीं सकता, एफ ई की वैल्यू क्या है, एफ ई है, डी वी की वैल्यू क्या है, माइनस डी, क्योंकि इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और यू ई माइनस यू ई है इस तरफ था, याद करिए अभी डायग्राम जो बनाया था। अगर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इस माइनस को हम इस तरफ लाएं तो ये हो जाएगा 1/fe + 1/d = 1/ue। अब आप गौर से देखो 1/ue यहां पर है ना, तो मैं क्यों यू ई निकाल के अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाऊं। मैंने 1/ue लिया और इस इक्वेशन में रख दिया, क्या आया माइनस एफ ओ, 1/ue की वैल्यू आ गई 1/fe + 1/d। अब थोड़ा सा बुक वाला फॉर्मेट अपना लेते हैं। बुक क्या करती है, एफ ई को कॉमन ले लेते हैं, वो एफ ई को कॉमन लिया। जैसे ही एफ ई को कॉमन लिया तो यहां पर तो था तो आ गया बाहर, तो यहां बचेगा 1/1 यानी 1। अब यहां पर तो एफ ई है ही नहीं, तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर कहां से आ गया। भैया ये फिजिक्स की नहीं मैथ्स की दिक्कत है, बट फिर भी काम चला लेंगे अपन। यहां पर एफ ई का मल्टीप्लाई एफ ई का डिवाइड करो, एफ ई कॉमन आ गया, ऊपर बचा एफ ई, तो ये आ गया एफ ई बाई डी। तो ये आ गया m = -fo/fe - 1/fe/d। ये आ चुका है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और अगर कोई आपसे कहे लेंथ ऑफ ट्यूब निकालो, तो डायग्राम को जरा याद करो, ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बन रही थी वो एफ ओ पे बन रही थी, और वो किसके लिए, आई पीस के लिए काम कर रही थी, किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये डिस्टेंस हो गई एफ ओ, और ये जो डिस्टेंस थी आई पीस वाली डिस्टेंस वो हो गई यू ई, तो एफ ओ प्लस यू ई। मैंने पिक्चराइज करने की कोशिश की है हवा में, शायद आप पिक्चराइज कर ले गए होंगे, मुझे भरोसा है। तो लेंथ आ जाएगी अपने पास एफ ओ प्लस यू ई, ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ दी टेलीस्कोप ट्यूब। अब आता है हमारे पास दूसरा केस, जिसमें हम बोलेंगे कि मेरी जो इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है इनफाइनाइट पर, इनफिनिटी पर, तो यू ई किसके बराबर हो जाएगा। अगर जो इमेज बन रही थी किसके कारण, ऑब्जेक्टिव से, अगर वो आईपीस के फोकस पे बनती तो फाइनल इमेज कहां बन जाती, इनफिनिटी पर, यानी कि यू ई किसके बराबर हो गया एफ ई के। डेरिवेशन खत्म, लिख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इन्फिनिटी की बात की, यू ई को एफ ई के बराबर कर दिया, यू ई की जगह पर एफ ई लिख दिया, मेरा मैग्निफिकेशन आ गया माइनस एफ ओ बाय एफ ई। और अगर लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करता तो वो आता एफ ओ प्लस यू ई की जगह क्या आ जाता, एफ ई आ जाता। तो लेंथ ऑफ ट्यूब आता एफ ओ प्लस एफ ई इन केस ऑफ व्हेन इमेज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। हो गया ना आसान डेरिवेशन। दोस्तों कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिए, अपने डाउट्स भी आप उसमें पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना हम ग्रो होंगे उतना अच्छा हम आपको
वीडियो दे पाएंगे। इस डेरिवेशन में इतना ही, और ये डेरिवेशन इतना आसान बना दिया, अगली बार और इससे आसान बनाकर अगले डेरिवेशन को पेश करेंगे। इसमें इतना ही। जय हो।